दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी, जिसमें आपका टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो देखिए, आपको इसका आंसर कैसे करना है। Sometimes it becomes imperative to recognize some species within a species and is given a thought specific name. Such system of naming is known as trinomial nomenclature. The scientist name of the lion is Panthera leo lin. The same species of the specimen collected in different countries so minor difference from the original form. So a third specific name becomes necessary in many cases. और देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ द इंडियन लायन इज डिजाइनेटेड एज पैंथेरा लियो पेरिसिका, और इसे हम बोलते हैं लिन भी बोलते हैं, ठीक है। आर ट्राइनोमन इज यूज टू रिकॉग्नाइज अ सब स्पीसीज। इंटरनेशनल रूल्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर रिकॉग्नाइज द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। द अडॉप्शन अ लैटिनाइज नेम फॉर द ऑर्गेनाइजम्स एंड द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हेजे आर द टू मेन थीम्स ऑफ द क्लासिफिकेटरी सीक्रेट ऑफ लाइनियस। द सिलेक्शन ऑफ लैटिन एज द लैंग्वेज ऑफ नोमेनक्लेचर इज क्वाइट रीजनेबल बिकॉज इट रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू जनरेशंस एंड इज नॉट subjected to grammatical changes as it happens in other vernacular languages. ठीक है, तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको व्हाट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कैसे करना है, और आप अपने आंसर में डायग्राम भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।